बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। किताब सबक नंबर 6, नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र। इसकी पढ़ाई कर लेने के बाद अब हम करेंगे इसकी किताबी मश्क। किताबी मश्क में वो सवालात जो कि किताब पर हल होने हैं। सबक नंबर सबक के मुताबिक जो जवाब पर टिक का निशान लगाएंगे। आप पढ़ेंगे, जब आप रीडिंग कर लेंगे तब आपको इन सवालात के जवाब में आसानी होगी। ये है इसके चंद एक बकाया ऑप्शंस ये दिए गए हैं। उसके बाद सवाल नंबर 3 हम रजिस्टर पर करेंगे, जबकि आते हैं सवाल नंबर 4 पर, वाहद की जमा और जमा के वाहद लिखें। ठीक है, तजर्बात जमा में दिया गया है, हम वाहद लिखेंगे तजर्बा। इसी तरह बाकी सब भी दीगर। सवाल नंबर 5 है, इराब की मदद से तलफ़ वाजिया करें। तजर्बा, ते के ऊपर ज़बर, जीम के ऊपर ज़बर, रा के ऊपर जज़्म और बा के ऊपर ज़बर। अमली, आयन के ऊपर ज़बर, मीम के ऊपर जज़्म, लाम के नीचे ज़ेर और या के ऊपर जज़्म। इसी तरह बाकी दीगर भी हम हल करेंगे। इन लफ्ज़ों की मुतरादिफ़ लिखें। ये चंद अल्फाज दिए गए हैं, तकरीबन 5 हैं, इनके हम मुतरादिफ़ भी लिखेंगे। सवाल नंबर 8 है, इन अल्फाज के मुतजाद लिखें। ख्वाब है हकीकत, कामयाब नाकाम, मसरूफ़ फारिग, ख़रीदना बेचना, शोहरत गुमनामी। अच्छा, सवाल नंबर 8 है अब आपका, सोचिए और बताइए। यानी कि जब आपने इस यूनिट की रीडिंग कर ली है तो इसके मुताबिक आपको ये सवाल, इन सवाल के जवाब देने में बहुत आसानी होगी। क्या राइट ब्रदर के ईजाद में घर के माहौल का भी कोई बड़ा हाथ था? ये रीडिंग में टॉपिक है क्या राइट, तो हम क्या को कट करेंगे सबसे पहले और यहाँ पर लिखेंगे जी हाँ, राइट ब्रदर के ईजाद में घर के माहौल का भी बड़ा हाथ था। कोई की जगह कट करके आप लिखेंगे बड़ा हाथ था। इनके, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसके बाद। इनके घर का माहौल ऐसा था जहाँ बच्चों की हौसला अफजाई की जाती थी। यहाँ तक कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ख़त्म हुआ है। उसके बाद हम करेंगे मुतालिया क्यों ज़रूरी है और आप कैसी किताबें पढ़ते हैं। मुतालिया दुनिया, इसका जवाब है दुनिया के हालात और फिर हमें नफ़ा नुकसान, यानी कि किस चीज़ में हमारा फ़ायदा है, किस चीज़ में हमारा नुकसान है, इन सब चीज़ों को जानने, इन सब चीज़ों की परख के लिए हमारा मुतालिया करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तक इसका आंसर है। और इस सवाल का आंसर आप कैसी किताबें पढ़ते हैं, यहाँ पर आप लाइन लगाकर खुद राइट करेंगे इसको। ये आप खुद बेहतर तरीके से आंसर देखते हैं दे सकते हैं। आप कैसी किताबें पढ़ेंगे, आप मुताले, आप ज़्यादा अलूम वाली किताबें पढ़ेंगे, आप इस्लामिक बुक्स पढ़ सकते हैं, या जैसी भी किताबें आपको पसंद हैं वो आप इसका आंसर यहाँ पर लाइन लगाकर खुद राइट करेंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, राइट ब्रदर की इजाज़त से दुनिया में किस तरह इनकलाब बरपा हुआ। राइट ब्रदर, इसका आंसर लेंगे हम राइट ब्रदर की इजाज़त से दुनिया में, यहाँ तक बाकी सब हम कट कर देंगे। राइट ब्रदर के जहाज से दुनिया, दुनिया यहाँ तक, दुनिया से तक लेंगे आंसर। दुनिया ने बहुत तरक्की की और मज़ीद इजादात और अलूम की, वाओ लिखा है यहाँ पे, इजादात और अलूम की राहें हमवार हुई। यानी हमें दुनिया ने मज़ीद इजादात की, दुनिया में मज़ीद अलूम हासिल करने की तरफ कोशिश की, ताकि और जब ज़्यादा अलूम हासिल होगा हमारे पास तो हम ज़्यादा से ज़्यादा नई नई चीज़ें ईजाद कर सकते हैं, नई नई चीज़ें ईजाद करके और अपनी शोहरत का डंका बजा सकते हैं, शोहरत हासिल कर सकते हैं। तो उनकी ईजादात ने इस तरह से दुनिया में इनकलाब बरपा किया। ठीक है, सवाल नंबर 9 है, दिए गए जुमलों में से गलत जुमले अलग करने और इन्हें दुरुस्त करके अपनी कॉपी में लिखना है। ये चंद जुमले दिए गए आपको, तकरीबन हैं ये 5। इनके आगे आप स्केल से लाइन लगाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, उसके बाद हम इनमें, अगर हम देखेंगे जब हम रीडिंग कर लेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम इसमें से रॉन्ग जुमले कौन से हैं और राइट कौन से हैं। सबसे पहला है, विल्बर राइट और आल्बर्ट राइट चचा साथ भाई हैं, जबकि वो चचा साथ भाई नहीं है। तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पर चचा को अंडरलाइन किया है। ठीक है, विल्बर राइट और आल्बर्ट राइट सगे भाई थे। सेकेंड, आल्बर्ट राइट उम्र में विल्बर राइट से बड़ा था, बड़ा नहीं था, छोटा था। ये है क्रॉस, राइट ब्रदर की वालदा रियाजी में महारत रखती थी। सॉरी, ये टिक है, ये वाला सेंटेंस एक ट्रिक है, इसको आप चेंज नहीं करेंगे, सेम एज इट इज़ आप लिख देंगे। आगे है, मिल्टन राइट और आल्बर्ट राइट भाई थे। मिल्टन राइट और आल्बर्ट राइट बाप बेटे थे, भाई नहीं थे। जबकि राइट ब्रदर के घर में एक लाइब्रेरी थी, एक नहीं थी, उनके घर में दो दो लाइब्रेरियाँ मौजूद थी। होप सो आप सबको समझ आ गई होगी, जो बुक पर किया गया काम है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। इंशाल्लाह अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो देन आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं इजीली। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।